कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता के बाबा की अध्यक्षता में आज लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू के हक में तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान के बाबा ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक करवाना है। मैं समझा जेडी मोदी सरकार 5 साल पहला आई सी कले वादे करके गुमराह नहीं किया, वो देश के टोटे कर जा रही है। वो लोग फिरका प्रस्त लोग ने, वो लोग धर्म के नाते, जात पात के नाते देश दियाँ समाज दियाँ वंडियां पा रहे हैं। अज की मैं समझा जी लोग सभा की चोण है भारत वासियों लिए अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जी एक सैकूलर पार्टी है जी सब धर्मों का, सब जातियों का, सब भाषावान का, पहराव्या का, सब का बराबर सत्कार करती है। पर एक पासे वो लोग ने जोड़े एक बहुगिणती धर्म के जात के लोगों की पॉलिटिक्स करके अज देश का नुकसान कर रहे हैं। एक भी वादा उन्होंने ने पूरा नहीं किया, उन्होंने बल्कि नोटबंदी GST के राही आम लोगों के नाल मजाक किया। उन्होंने 15 लाख खाते की गल की, उन्होंने जो भी गल की है सिर्फ झूठी गल की है। अज मैं समझा जिथे कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपया एक जिहड़े मिनीमम आमदनी वाले लोग ने 20% लोग ने उन्होंने कहा कि असी 72,000 रुपया साल का देवे, जोड़ा वादा किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राहुल गांधी ने किया, क्योंकि कांग्रेस ने जदों भी जो भी वादा किया पूरा किया। पर भाजपा वाले लोगों गुमराह कर रहे हैं। असी लोगों सुझाव देना चाहते हैं, असी अपील करना चाहते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू जी को, खासकर मैं हल्का आतमनगर की गल करांगी कि इत्थे कांग्रेस बहुत कमजोर रही है। लोगों को जरूरत है कि आतमनगर के कांग्रेस को लिया, आतमनगर के हालातों अगर सुधारना तो रवनीत सिंह बिट्टू जी को वोट पा के कांग्रेस पार्टी लिया जाए, ता जो असी इस विच एक अच्छा सुधार लिया सकीए।